नमस्कार दोस्तों, ने YouTube तो दोस्तों राजस्थान कंप्यूटर शिक्षक भर्ती को लेकर आज की बहुत बड़ी अपडेट आप सबके निकल के आ रही है। आप सबको पता होगा भर्ती का जो ऐलान है वो कर दिया गया है, लेकिन कब इसका नोटिफिकेशन जारी होगा, आपके दोस्तों ये भर्ती संविदा पर होने वाली है या फिर इसमें आगे चल के आपको जो है गवर्नमेंट भी किया जा सकता है, उसके बारे में भी इस वीडियो में जानकारी दूंगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। साथ में दोस्तों, अगर आप राजस्थान कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के नए कैलेंडर का इंतजार कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी इसी प्रकार की आपको अपडेट है वो मिलती रहे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, आज की अपडेट है मंजूरी संविदा आधार पर होगी भर्ती। जी हाँ दोस्तों, आपकी जो भर्ती है वो संविदा के आधार पर कराई जाएगी। हालांकि विद्यार्थियों का जो विरोध है वो लगातार इसका जो विरोध कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि ये कहीं ना कहीं हमारे साथ धोखा किया जा रहा है। 10,453 के पद हैं वो भरे जाएंगे। इसका जो नोटिफिकेशन है दोस्तों आपको जून और जुलाई में ही देखने को मिल जाएगा। सरकारी स्कूलों के लिए राज्य सरकार ने कंप्यूटर शिक्षकों का नया कंट्रैक्ट सृजित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 10,453 पदों को सृजन करने के लिए जो स्वीकृति दे दी गई है। स्वीकृति प्रस्ताव के अनुसार शिक्षा विभाग में 9,862 जो पद हैं दोस्तों वो बेसिक कंप्यूटर शिक्षक के रहने वाले हैं। और इसमें दोस्तों मैं आपको बता दूँ, आपकी जो सैलरी है वो 18,500 से लेकर 33,800 रुपये तक हो यहाँ पर जो आपकी सैलरी होने वाली है। लेकिन क्या इसमें जो है ये है कि आपको आगे चल के पक्का किया जा सकता है, तो इसकी कोई भी गारंटी नहीं कि आपको आगे जाके पक्का किया जाए। लेकिन अभी आपकी जो संविदा पर भर्ती होगी, राजस्थान बेरोजगार एकीकरण महासंघ के उपेंद्र यादव ने कहा है कि भर्ती संविदा के आधार पर कराने पर अभ्यर्थियों में रोष है। उन्होंने कहा या तो आप इसे भले लेट करा दीजिए, लेकिन आप इसे गवर्नमेंट कराइए, स्थायी भर्ती कराइए, क्योंकि स्टूडेंट जो है संविदा की भर्ती होती है दोस्तों, सब कोई भी यहाँ पर दोस्तों पता नहीं है कि आपको पक्का किया जाए, वरना दोस्तों आपको संविदा पर ही इसमें भर्ती किया जा सकता है। अब इसका नोटिफिकेशन की बात करूँ, नोटिफिकेशन आपको जून के लास्ट में आपको देखने को मिल जाएगा, फिर जुलाई में आपको दोस्तों इसका नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों इसमें अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो इसमें आपको कंप्यूटर में किसी भी जो है मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपके पास दोस्तों कंप्यूटर की डिग्री या फिर बहुत डिप्लोमा इसमें आपको चाहिए होगा दोस्तों, इसके बाद ही आप इसके लिए एलिजिबल माने जाओगे। और इसके जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें क्लियर हो जाएगा कि इसके लिए क्या क्या योग्यता चाहिए, क्योंकि अभी सिर्फ पदों की घोषणा की गई है, अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है। नोटिफिकेशन आएगा उसमें क्लियर होगा दोस्तों कि कितनी योग्यता चाहिए, कितनी एज लिमिट है। आपकी एज लिमिट 18 से आपकी जो है 32 के आसपास इसमें रह सकती है। और जो वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की जो दोस्तों यहाँ पर जो एज है वो थोड़ी इसमें छूट मिल सकती है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। अब इसमें संविदा पर कैसे ये भर्ती कराई जाएगी, ये भी सबसे बड़ा सवाल रहेगा, किस आधार पर इसकी कट ऑफ निकलेगी या किस आधार पर आपको इसमें जो है भर्ती किया जाएगा, ये सरकार के ऊपर है देखो। और जल्द ही नोटिफिकेशन जारी होगा, नोटिफिकेशन जारी होते ही सब चीज़ क्लियर हो जाएंगी राजस्थान कंप्यूटर शिक्षक भर्ती को लेकर। लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट मुझे ये कमेंट कर दे कि सर संविदा है या फिर स्थायी भर्ती है, तो मैं आपको बता दूँ ये संविदा पर भर्ती है, इसमें आपको पक्का किया जाए, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है कि आगे चल के आपको इसमें पक्का किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है। ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको पक्का करती है। लेकिन फिलहाल में आपको जो 10,453 पद हैं उसमें आपको संविदा के तौर पर ही लगाया जाएगा। तो दोस्तों आगे जो भी अपडेट आएगी नोटिफिकेशन को लेकर या फिर राजस्थान कंप्यूटर शिक्षा भर्ती को लेकर अपडेट करूंगा मैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।